सो आज हम डीसी मशीन्स का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, ए डीसी शंट मशीन कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सप्लाई हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग ब्रशेस ऑफ 0.12 ओम एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड सर्किट इज 100 ओम। फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड एज ए जेनरेटर टू द स्पीड एज ए मोटर, द लाइन करंट इन ईच केस बीइंग 80 एम्पीयर। यहां पे गिवन क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे दे दिया कनेक्टेड टू 250 वोल्ट मतलब सप्लाई वोल्टेज है 250 वोल्ट, भी इज नथिंग बट 250 वोल्ट। उसके बाद हैज ए आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.12 ओम, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस दे दिया 0.12 ओम। तो पहले तो गिवन जो भी रहेगा उसको हम लिखेंगे, गिवन डेटा को हम पहले लिखेंगे। उसके बाद दे दिया फील्ड रेजिस्टेंस, फील्ड रेजिस्टेंस मतलब 100 ओम फील्ड रेजिस्टेंस है। एंड लास्टली दे दिया लाइन करंट इन ईच केसेस इज 80 एम्पियर। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड एज ए जेनरेटर टू द स्पीड एज ए मोटर, द लाइन करंट इन ईच केसेस बीइंग 80 एम्पियर। तो स्पीड का रेशियो एज ए जेनरेटर एंड एज ए मोटर निकालना पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट केस में हम लोग करेंगे एज ए जेनरेटर, तो पहले तो हम फील्ड करंट निकाल देते हैं। फील्ड करंट कैसे निकलेगा, ISH इज इक्वल टू V बाई RSH। सो वोल्टेज दे दिया 250 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 100 ओम, सो फील्ड करंट आया 2.5 एम्पियर। ओके, फील्ड करंट इतना आ गया। अब इन केस ऑफ डीसी शंट जेनरेटर क्या करेंगे, अप्लाइंग KCL एट नोड। तो शंट जेनरेटर पहले तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे एक डीसी शंट जेनरेटर का। तो शंट जेनरेटर के लिए ये वाला सर्किट होता है, क्या करेंगे अप्लाइंग KCL एट नोड। ये जो नोड है यहां पे KCL अप्लाई, तो KCL अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, IA1 दैट इक्वल टू IL प्लस ISH। IL सो इनकमिंग करंट IA दैट इक्वल टू IL प्लस ISH आउटगोइंग करंट। तो KCL अप्लाई करने के बाद IL का वैल्यू मुझे पता है कितना है, IL का वैल्यू 80 एम्पियर, ISH का वैल्यू कितना है 2.5 एम्पियर। सो वी गेट द आर्मेचर करंट ऑफ द डीसी शंट जेनरेटर, सो दैट इज इक्वल टू 82.5 एम्पियर। ओके, नाउ अप्लाइंग KVL, KVL अप्लाई करेंगे तो यहां पे EMF E1 ले लिए, जेनरेटर केस के लिए EMF को E1 मान लिया और मोटर केस के लिए हम लोग मानेंगे E2। ठीक है, तो यहां पे अगर KVL अप्लाई करेंगे इस लूप पे तो क्या होगा, E1 दैट इक्वल टू IA1 मतलब इसका जो करंट फ्लो करेगा आर्मेचर करंट उसको IA1 मान लिया जेनरेटर के लिए, और रेजिस्टेंस को मान लिया RA, सेम रहेगा रेजिस्टेंस जेनरेटर एंड मोटर के लिए। सो IA1 इंटू RA प्लस V होगा ना, प्लस V होगा, रेजिस्टेंस को पुट कर दिया, आर्मेचर करंट का वैल्यू पुट कर दिया और वोल्टेज पुट कर दिया 250 वोल्ट। तो E1 कितना आएगा, 259.9 वोल्ट। ओके, ऐसे करके जेनरेटर केस के लिए E1 मिल गया। अब मोटर केस के लिए क्या करेंगे, इन केस ऑफ डीसी शंट मोटर, सो पहले तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिए। अब यहां पे KCL लगाएंगे, सो इस नोट के लिए इनकमिंग है IL एंड आउटगोइंग है ISH एंड IA2। तो IL इक्वल टू क्या होगा, IL इक्वल टू क्या होगा, IA2 प्लस ISH। सो यहां से ही हम मुझे मिला IA2 दैट इक्वल टू IL
माइनस आई एस एच, तो वही तो यहां पे लिखे। तो आर्मेचर करंट फॉर द केस ऑफ डीसी शंट मोटर इज आई ए टू दैट इक्वल टू आई एल माइनस आई एस एच। सो इसका वैल्यू 80 माइनस 2.5 दैट इक्वल टू 77.5 एम्पियर। अब अप्लाइंग केवीएल ओवर देयर, यहां पे केवीएल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ई टू इक्वल टू वी माइनस आई ए टू इंटू आर ए, क्योंकि ऐसे केवीएल अप्लाई कर रहा हूं तो डिरेक्शन इसका उल्टा है तो माइनस मानेंगे, तो वी माइनस आई ए टू इंटू आर ए। सो वी का वैल्यू पुट करेंगे 250 वोल्ट माइनस आई ए टू का वैल्यू 77.5 मिला है, और विच इज मल्टीप्लाइड बाई आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.12। सो दैट विल गिव द रिजल्ट ऑफ 240.7 वोल्ट। नाउ वी नो क्या N1 बाई N2 मतलब स्पीड ऑफ द जेनरेटर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ द मोटर दैट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E1 बाई ∅1 डिवाइडेड बाई E2 बाई ∅2। वन सफिक्स यूज किया जेनरेटर के लिए और मोटर के लिए सफिक्स यूज किया 2। सिंस द फील्ड करंट इज सेम सो वी कैन राइट फ्लक्स, फील्ड फ्लक्स भी सेम होगा तो ∅1 इक्वल टू ∅2 होगा। तो रिलेशन कैसे बनेगा, N1 बाई N2 दैट इक्वल टू E1 बाई E2 दैट इक्वल टू कितना होगा, E1 का वैल्यू 259.9 मिला था और E2 का वैल्यू 240.7 मिला था, दैट इक्वल टू 1.0797 मिल जाएगा। ओके दैट्स इट, थैंक यू।